नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप अभी मैं आप लोगों को जैविक खेती के बारे में बता रहा था और जैविक खेती की जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बताने वाला हूँ कि हम लोग जैविक खेती में और भी ऐसे फर्टिलाइजर्स और कार्बन हमारे ज़मीन में बनी रहे, इसीलिए मैं अभी आप लोगों को ले चल रहा हूँ जो यूनिट है उस यूनिट में। और हम लोग बात करेंगे अभी जो यहाँ के जो वसुधा वाले हैं जो कि यहाँ पर ये ट्रेनिंग देते हैं और इनसे बात करेंगे और ये किस तरीके से यहाँ पर ये करते हैं, तो यहाँ के जो किसान हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ का जो ट्रेनिंग है ट्रेनर जो है वसुधा से जो ट्रेन करते हैं कि फार्मरों को ये यूनिट में जो कि इनके संरक्षण में तैयार किया जाता है, आप हम उनसे ही बात करेंगे, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं, आपका शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम तेज सिंह, सातरुंडी से हैं ये किसान जो कि ये बनाते हैं, साथ ही आपका शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम कमलेश मेड़ा है और मैं वसुधा में काम करता हूँ। वसुधा में काम करते हैं जी कमलेश जी। मैं ये कह रहा था कि ये जो यहाँ पर आप लोगों ने जो दवाई ये जो खाद आप लोगों ने यहाँ पर बना रखा है, तो इसकी जो प्रोसीजर है ये एक्चुअली बताएंगे किसानों को कि ये किस तरीके से हम लोग इसको तैयार करते हैं। सर ये जैसे बायोचार है, इसमें ये जो कपास की छाती रहती है ये लगभग इसमें 600 केजी के आसपास इसमें मतलब भरते हैं जी जी। उसमें लगभग इसको जला पूरा भरने के बाद जलाने की प्रोसेस ऊपर रहती है, इसको जलाने के बाद जैसे ये जो खोल रहे थे उसमें ये जो लकड़ी रखी हुई है बिल्कुल इस लकड़ी को अंदर डालते हैं, जैसे जैसे आग नीचे तक आएगी उस लकड़ी को जैसे वो कोयला बन जाएगी, फिर अपन उस होल को बंद कर देंगे बिल्कुल धीरे 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 धीरे, इस प्रकार से वो ये कोयला बन जाएगा। हाँ 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 यस सर। उसके बाद ये कोयला बनने के बाद जैसे इनको 2 से 3 दिन तक ये चलता है, चलने के बाद वापस से कोयला बन जाएगा, उसके बाद अपन निकालते हैं, निकालने की प्रोसेस ये रहती है यहाँ से आगे से निकालते हैं। अच्छा ये जो है यहाँ आगे से सॉरी, उसके बाद इसको ये यहाँ पर है इसका पूरा उस गेट में से निकालते हैं। उसके बाद निकालने के बाद इसको चक्की में पीसते हैं, चक्की में पीसने के बाद इनको अच्छी तरह से गोबर खाद जो बेड कंपोस्ट बनाते हैं, बेड कंपोस्ट में और जो काव यूरिन रहता है उसमें दोनों मिला के लगभग 1 से 1.5 महीने तक उसको अच्छी तरह से ठंडी जगह में रख देते हैं। उसके बाद जैसे कपन ने कपास लगाया है उसको अच्छी रिंग बना के जैसे उसकी हाइट 15 से 20 दिन 25 दिन के बाद उसकी हाइट हो जाती है 1 से 1.5 फीट, उसको रिंग बना के देने से अच्छे जी। उसमें कपास की जो ज़मीन में एक तो कार्बन की मात्रा पर्याप्त मिल रही है, दूसरा ये है कि जैसे कि उसके पौधों को अच्छे मतलब चलने में उसका जो ग्रोथ पीरियड से इसको चलने में काफ़ी अच्छा होता है ना। तो इस तरीके से जो पोषक तत्व हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से अगर हम लोग ये जो बायोचार ये जो बनाते हैं जो कार्बनिक का फर्टिलाइजर कह सकते हैं ये चीज़ काफ़ी जमीन में उपजाऊ होता है, तो हम किसान साथियों देखते हैं यहाँ पे ये भी एक यूनिट है ना इस यूनिट में, और इस तरीके से यहाँ पर ग्राइंडिंग करके ये पूरी तरीके से कम्प्लीट तैयार है ना, इस तरीके से यहाँ पर है। मैं आप लोगों को इधर लेके चलता हूँ और यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि ये ड्रम में किस तरीके से रखते हैं, कितने दिनों के लिए रखते हैं, काफ़ी सारे ड्रम देख रहे होंगे। और जो पीछे की जो यूनिट है एक छोटा सा यूनिट यहाँ पर है जो कि इसे पिसाई करते हैं और पिसाई करने के बाद में वो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ड्रम है इस ड्रम में आप लोग यहाँ पर जैसे नीम वगैरह हैं ये देखो नीम पत्ती है और ये नीम सड़ी हुई है, इस तरीके से सारे ड्रम्स हैं यहाँ पर है ना। और ये चारकोल की बात कर रहे थे, यहाँ चारकोल यहाँ पर पूर्ण तरीके से पिसा है ना, पिसा हुआ है। अब यहाँ पर आप कौन से ड्रम में यहाँ पर कैसे क्या कर रहे हैं आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा। सर जैसे ये पिसा हुआ है यदि अपन को कहीं भी ज़रूरत लगे तो ये अपन ने इनको बेड कंपोस्ट से खाद निकाल के और काव यूरिन निकाल के जैसे वो वहाँ पड़ा हुआ है इस प्रकार से अपन इनको 1 से 1.5 महीने तक व्यवस्थित से डला के रख देते हैं, फिर जहाँ अपने को डालना का रहता है जैसे सब्जियाँ में कपास में फल फूल में वहाँ अपन ले के डालते हैं। तो किसान भाइयों आप देख रहे थे मैं आज आप लोगों को जो लाइव यूनिट से बता रहा था कि ये जो जैविक खाद है ये हम लोग किस तरीके से बनाए, हमारा जो कार्बनिक अगर हमारे ज़मीन में अगर ख़त्म हो गया है तो कार्बनिक की मात्रा को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए, और आज हम इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया पहल कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो किसान हैं जो कि बगीचे में और फूल फल सब्जी और काटन और अन्य जो फसलें हैं उनमें उपयोग कर रहे हैं और अपने जो जैविक खेती है उस खेती को ये अपना रहे हैं। तो आप लोग किसान के लिए ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसान काफ़ी सारा चीज़ इसको लर्निंग करता है फिर सीखता है फिर डालता है, तो ऐसे किसानों को हमें सलाम
जय जवान जय किसान।